हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रेटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंजीनियरिंग एंड कंज्यूमर गुड्स स्टॉक पोर्टफोलियो आने वाले 4 से 5 साल के लिए। तो मैं आपके सामने रखूंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स मैंने इस पोर्टफोलियो में रखे हैं और इन दो सेक्टर्स को मैंने क्यों चूज किया है, आगे इनमें क्या ऐसी वजह है जो मैंने इनको चूज किया और आगे किस तरीके से जो है इनमें एक आगे का जो फ्यूचर प्लान देखने को मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सामने मैं आपके सामने रखता हूँ, तो पहली बात तो जो है आगे का जो रोड है इनके लिए इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर और जो कंज्यूमर गुड्स के लिए तो बात करते हैं, तो आगे जिस तरीके से इंडिया के अंदर एक इंजीनियरिंग R&D मार्केट जो है वो इंक्रीज होगी धीरे धीरे करके, और साथ के साथ जो है एक कैपिटल गुड्स इंक्रीज जो इंडस्ट्री है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। हमारी गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है, काफी तरीके की जो है पॉलिसीज लेके आ रही है, काफी तरीके की स्कीम्स लेके आ रही है हमारी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इस तरीके की जो पॉलिसीज हैं, इस तरीके के जो उनके जो उद्देश्य हैं तो उनको जो है हमारी यहाँ की इंडस्ट्रीज जो है पूरा करती हुई दिखेंगी। और काफी तरीके के जो है इम्पोर्ट पे हमारी गवर्नमेंट ने बैन भी लगाए हैं, तो उससे क्या है कि हमारी इंडस्ट्रीज को क्या है एक फायदा मिलेगा, हमारी इंडस्ट्रीज को जो एक फायदा जो देखने को मिलेगा और हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो रिवाइव करती हुई दिखेंगी। तो अगर देखा जाए तो इंडिया को 235 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना आने वाले नेक्स्ट डिकेड 2020 से 2029 तक, और द एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग गुड इज एक्सपेक्टेड टू रीच $200 बिलियन बाई 2030। मतलब धीरे धीरे करके क्या है इंजीनियरिंग गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, तो उनमें क्या है कि एक आने वाले टाइम में जो एक फायदा देखने को मिलेगा इस सेक्टर में, जो ये कंपनी जो बना रही है एक्सपोर्ट करेंगी अच्छा खासे एरिया में। हमारे इंडिया के अंदर तो काफी अच्छा खासा कंजप्शन है ही है, बाहर भी और ये कंजप्शन करती इनके जो है प्रोडक्ट बिकते हुए दिखेंगे। तो अगर बात की जाए तो रोबस्ट डिमांड है, कैपेसिटी क्रिएशन इन सेक्टर सच एस इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, स्टील, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इज गिविंग डिमांड इन द इंजीनियरिंग सेक्टर। राइजिंग डिमांड जो बढ़ रही है इलेक्ट्रिकल एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को लेकर भी बढ़ रही है, अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है, पॉलिसी भी सपोर्ट कर रही है, काफी PLI स्कीम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च की है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, एंड हायर इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जो है गवर्नमेंट का पूरा जो है रुझान है। बात की जाए इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स के मार्केट साइज की तो देख सकते हैं धीरे धीरे जिस तरीके से गवर्नमेंट जो बता रही है कि मार्केट साइज इसका जो है बढ़ता हुआ दिखेगा, और एक्सपोर्ट भी जो धीरे धीरे जो एक बढ़ता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में, साथ के साथ मैं आपके सामने रखूं और गवर्नमेंट की जो मेक इन इंडिया 100% FDI एंड इंटर मिनिस्टेरियल कमिटी जो है उसके थ्रू जो है काफी तरीके के जो है गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है इस सेक्टर के लिए। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट से एक अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट ने काफी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इंपोर्ट पे जो है बैन लगा दिए हैं उससे काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। तो हमारी इंडस्ट्री जो है हमारे इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो बढ़ती हुई दिखेंगे, उनके कारोबार बढ़ते हुए दिखेंगे, वो एक्सपेंशन करते हुए दिखेंगे, नए प्लांट्स लगाते हुए दिखेंगे। तो बढ़िया अच्छा खासा रुझान आने वाले 4 से 5 साल के अंदर और फर्दर भी मूव मुझे लगता है आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपके सामने रखता हूँ कौन कौन से स्टॉक्स मैंने इस पोर्टफोलियो में रखे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैंने इसमें एक स्टॉक रखा है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग, 15% की ROCE स्मॉल कैप कंपनी है, टेलीकॉम टावर्स कंपनी जो है लगाती है और गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर जो है मैन्युफैक्चर करती है, ट्रांसमिशन लाइंस टावर्स बनाती है, सोलर पैनल्स मतलब स्मार्ट सिटीज के लिए भी जो है कंपनी काम कर रही है, काफी तरीके के टावर्स और पैनल्स जो है कंपनी बना रही है उसके लिए भी। एंड अगर बात करी जाए तो परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। हालांकि ड्यू टू कोविड तो जून वाला क्वार्टर थोड़ा सा हालांकि नीचे गया ही है, लेकिन वैसे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखेंगे तो जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। एंड प्रमोटर्स की अगर बात की जाए तो प्रमोटर्स के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है, FIADI के पास में भी होल्डिंग जो है मौजूद है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक GMM फोर्टलर जिस तरीके से जो प्रोडक्ट जो बना रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनका जो है एक अच्छा खासा इंडिया के अंदर तो 50% की मार्केट है इनकी जो है, तो एक अच्छा खासा जो है कंपनी प्रोडक्ट बना रही है फार्मास्यूटिकल के लिए, केमिकल इंडस्ट्री के लिए, FMCG कंपनी के लिए। तो इनमें जो है धीरे धीरे जो है एक्सपेंशन होते हुए दिखेंगे, इन इंडस्ट्रीज के अंदर न्यू प्लांट्स लगते हुए दिखेंगे, तो इनके प्रोडक्ट्स में भी जो है डिमांड आती हुई दिखेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्मॉल कैप कंपनी है, 16% की ROCE इस कंपनी की, 2 फेस वैल्यू है। और अगर बात करी जाए तो अच्छा खासा जो है अगर क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में हालांकि डाउनफॉल जरूर देखने को मिला है,
लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है 2020 और 2021 का कंपेरिजन अगर करा जाए तो। और बात करते हैं, मैं आपके सामने रखूंगा प्रोमोटर्स की होल्डिंग, तो प्रोमोटर्स के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है मौजूद है, FIIDI के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है इस कंपनी में मौजूद है। बात करते हैं ISJET हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, ISJET जो है काफी अच्छा खासा जेवी कंपनी जो है, एक इनके पास भी जो एक अच्छा खासा बिजनेस है, और कंपनी जो है आयरन स्टील कास्टिंग एंड बॉयलर प्रेशर पार्ट्स, इस तरीके से जो है काफी तरीके के जो है कंपनी एक प्लांट जो पार्ट्स बनाता है, सेटअप करता है काफी तरीके के जो है प्लांट्स का, जैसे बॉयलर्स है, पावर प्लांट्स हैं, सुगर प्लांट्स हैं, डिस्टिलरीज प्लांट है, उनका भी जो है कंपनी जो है सेटअप करते हुए दिखती है काफी अदर कंपनीज के लिए। 14% की ROCE, स्मॉल कैप कंपनी है, 1 की फेस वैल्यू इस कंपनी की, एंड परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हालांकि परफॉर्मेंस काफी डाउन इसमें देखने को मिली है, और ईयर ऑन ईयर लेकिन परफॉर्मेंस इसकी कंपनी की जबरदस्त रही है। और यहाँ पे अगर बात करी जाए प्रोमोटर्स की, तो प्रोमोटर्स के पास में एक जबरदस्त होल्डिंग मौजूद है, FIIDI के पास में भी अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है। बात करते हैं प्राज इंडस्ट्री की, तो कंपनी जो है एक अच्छी तरीके से जो एक बायो इकोनॉमी की तरीके से जो कंपनी जो काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, और साथ के साथ कंपनी को जो आने वाले टाइम में एथेनॉल प्लांट भी जो है लगाती हुई दिखेगी काफी कंपनीज के लिए, तो एक अच्छा खासा इसका भी डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है प्राज इंडस्ट्री का। 15% की ROCE है, स्मॉल कैप कंपनी है, 2 की फेस वैल्यू है, परफॉर्मेंस बहुत ही गजब आई है इस कंपनी की भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे एंड ईयर ऑन ईयर देखेंगे जबरदस्त परफॉर्मेंस इस कंपनी में भी दिखाई है। एंड बात करते हैं प्रमोटर्स की एंड FIIDI की, तो अच्छी खासी होल्डिंग जो है इसमें मौजूद है। एंड क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, ये कंपनी भी जो है एक अच्छा खासा काम कर रही है इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर, और बढ़िया आगे भी जो है ये कंपनी अच्छा खासा काम करती हुई दिखेगी, ये भी कंपनी बहुत ही बेहतरीन है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, ऑटो सेक्टर के लिए काफी तरीके के जो है कंपनी जो है प्रोडक्ट बना रही है। एंड ROCE अगर आप देखेंगे तो 15% की ROCE है, स्मॉल कैप कंपनी, 5 की फेस वैल्यू, ज्यादा समय नहीं हुआ है कंपनी को जो है लिस्ट हुए, लेकिन परफॉर्मेंस गजब की आएगी इससे आने वाले टाइम में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हालांकि डाउनफॉल देखने को मिला है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो परफॉर्मेंस बढ़िया आई है इस कंपनी की, देखने को बढ़िया मिली है। एंड यहाँ पर अगर प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास में कंचेंज्ड होल्डिंग जो है मौजूद है, FIIDI के पास में होल्डिंग जो है मौजूद है। बात करते हैं हैवेल्स की, तो कंज्यूमर गुड्स में बढ़िया काम कर रही है ये कंपनी, 30% की इसकी ROCE है, लार्ज कैप कंपनी है, 1 की फेस वैल्यू, काफी तरीके के जो है कंपनी FMEG प्रोडक्ट भी बना रही है, और पावर से रिलेटेड काफी तरीके के जो है कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। और अगर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो बढ़िया परफॉर्मेंस है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एंड ईयर ऑन ईयर भी जो है कंपनी की परफॉर्मेंस जबरदस्त देखने को मिल रही है, और अब तो देखेंगे तो ट्रिपल डिजिट से अब 4 डिजिट में आने लगा है इसका प्रॉफिट, ये सबसे बड़ी बात है, कंपनी अब 4 डिजिट में प्रॉफिट देने लगी है। और यहाँ पे अगर बात करें प्रमोटर्स की, तो एक अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है FIIDI के पास में, गवर्नमेंट के पास में भी काफी अच्छी खासी होल्डिंग जो है इसमें मौजूद है। बात करें पॉलीकैप की, 25% की ROCE इसकी, और अब धीरे धीरे ये भी कंपनी जो है लार्ज कैप बनने जा रही है, और फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 की, ये भी कंपनी जो है सेम जो है प्रोडक्ट बना रही है जो हैवेल्स बना रही है, काफी तरीके से इनका जो है एक मिला जुला सा जो एक पोर्टफोलियो कह सकते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, हैवेल्स का थोड़ा सा और एक एडवांस पोर्टफोलियो मैं कहूंगा, थोड़ा और एक एडवांस पोर्टफोलियो ये पॉलीकैप जो है बना रही है उसको अपने को, और देखते हैं आगे। हालांकि दोनों कंपनी बहुत ही अच्छी है, परफॉर्मेंस इसकी भी गजब की आई है, एंड आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस इसकी भी बहुत ही बेहतरीन आती हुई दिखी है, ये भी कंपनी बहुत जल्द आपको 4 डिजिट में अपना प्रॉफिट करती हुई दिखेगी, और ग्रोथ इसमें भी आती हुई दिखेगी बढ़िया। प्रमोटर्स के पास में और FIIDI के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है इस कंपनी में बहुत मौजूद है। एंड बात करते हैं अपार इंडस्ट्री की, तो 22% की ROCE कंपनी की, और देखेंगे तो लीडिंग है ये कंडक्टर्स बनाने में, लीडिंग है, 48% का रेवेन्यू इसका कंडक्टर्स से आता है, मार्केट शेयर देखेंगे तो इसका 25% का है, कुछ प्रोडक्ट बनाने में तो ये लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है, और ऑटोमोटिव ऑयल भी बनाती है कंपनी, और स्मॉल कैप कंपनी है, और आप देखेंगे तो 10 की फेस वैल्यू इस कंपनी की, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ही गजब का है, और इस समय तो मतलब कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बना रही है, और उससे भी जो है अच्छा खासा रुझान जो है आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। क्वार्टर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर जो है परफॉर्मेंस कंपनी की अब जो सुधरती हुई दिख रही है, बढ़िया परफॉर्मेंस सुधरती हुई इससे भी दिख रही है। एंड प्रमोटर्स FIIDI के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है, प्रमोटर्स ने तो जबकि अपनी होल्डिंग को बढ़ाया और है, तो देख सकते हैं एक बात। KEC इंटरनेशनल ये भी अच्छी है स्मॉल कैप कंपनी, 21% की ROCE कंपनी, बहुत ही अच्छा खासा काम कर रही है, काफी डाइवर्सिफाई परफॉर्मेंस है इसकी, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, 2 की फेस वैल्यू इस कंपनी की। एंड बात करते हैं तो अच्छी खासी आप देखेंगे तो क्वार्टर क्वार्टर भी परफॉर्मेंस बढ़िया आई है इसकी, एंड ईयर ऑन ईयर भी परफॉर्मेंस जो है कंपनी की गजब की आती हुई दिखी है।
एंड बात करेंगे यहाँ पे प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स के पास में एक अच्छे खासी होल्डिंग मौजूद है, एफआईएटीआई के पास में एक अच्छे खासी होल्डिंग जो है मौजूद है। बात करते हैं सीमेंस की, तो सीमेंस का भी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जेवी कंपनी बहुत अच्छा खासा काम कर रही है, कारोबार बढ़िया है इसका, लार्ज कैप कंपनी है, 2 की फेस वैल्यू 12 की ROCE है एंड कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो इसका क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़िया आया है। एंड बात करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर भी जो है कंपनी एक बढ़िया जबरदस्त पोर्टफोलियो और परफॉर्मेंस जो है ये कंपनी भी जो है देती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में आपको। और यहाँ पर अगर बात करते हैं प्रमोटर्स की, तो एक अनचेंज्ड होल्डिंग जो है मौजूद है, एफआईएटीआई के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है मौजूद है। बात करते हैं एबीबी इंडिया, 8% के समथिंग की इसकी आरओसी, लार्ज कैप कंपनी, 2 की फेस वैल्यू है, ये भी कंपनी ऑटोमेशन एंड पावर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छा खासा कारोबार कर रही है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रही है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है, बहुत तरीके के वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो है इसका भी कंपनी का, और बहुत सी इंडस्ट्रीज के लिए अपने जो है सर्विस और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रही है, बढ़िया कंपनी, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी परफॉर्मेंस बढ़िया है इसकी, और ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस भी जो है कंपनी की आगे जो है आपको सुधरती हुई दिखेंगी, इसकी बढ़िया सुधर रही है धीरे 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 करके, डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है, तो मोटर्स के पास में एफआईआईटीआई के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है इस कंपनी की भी मौजूद है। ये स्टॉक का पोर्टफोलियो है, मैंने आपके सामने ये रखा, तो आप देखेंगे इसमें ये वाला जो पोर्टफोलियो है, और इसमें जो है सालासर, जीएमएम फोर्टलर, इसजेक एंड प्राज इंडस्ट्री, क्राफ्ट्समैन, हैवेल्स इंडिया, पॉलीकैब, अपार इंडस्ट्रीज एंड साथ के साथ केईसी इंटरनेशनल, सीमेंस एंड एबीबी इंडिया। तो देख सकते हैं मैंने एक एक क्वांटिटी रखी है, और क्वांटिटी रखी है तो 11 स्टॉक्स हैं, करीब करीब 15,645 रुपए के पोर्टफोलियो बनेगा आने वाले, मुझे लगता है 5 साल के अंदर ये करीब करीब आपका जो है एक अच्छा खासा अमाउंट इसमें भरता हुआ दिखेगा, करीब करीब 55,000 का, यहाँ से भी और ऊपर जाने के ही चांसेस मुझे लगता है होंगे, क्योंकि ये कंपनी जो है इनमें काफी अच्छे खासे आपको आने वाले टाइम में टर्न अराउंड स्टोरी जो है देखने को मिलेगी, ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी बढ़िया काम ये कंपनी जो है आने वाले टाइम में आपको करके देती हुई दिखेंगी। बढ़िया पोर्टफोलियो है ये, कोई इसको भी बना सकता है, सिप के थ्रू भी लेके जा सकते हैं आप इसको आगे, और इनमें से कुछ स्टॉक्स आप चूज करके अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं, बढ़िया पोर्टफोलियो है। तो फ्रेंड्स आप मेरे को जरूर बताइएगा कि आपको ये पोर्टफोलियो कैसा लगा, और अगर आपको ये पोर्टफोलियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप लाइक जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।